हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैनी एंड यू आर वाचिंग संकल्प एकेडमी। तो उत्तराखंड बजट 2021-22 के लिए हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। उत्तराखंड पीसीएस का जो अपर वाला एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल में होने वाला है। 3 अप्रैल में यह होने वाला है और इसके एडमिट कार्ड भी इनकी ऑफिशियल साइट पर डाल दिए गए हैं। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे 2021-22 के लिए जो बजट रहा था उसके बारे में, जो 4 मार्च 2021 को यह हुआ था। अभी यहाँ पर 2022 है, अभी नई गवर्नमेंट जो बीजेपी की है वो बन चुकी है, लेकिन वो भी फॉर्म नहीं हुई, यानी किसी भी मुख्यमंत्री ने अभी शपथ ग्रहण नहीं करी है। इसकी वजह से जो उत्तराखंड का जो बजट है वो डिले हो रहा है। अभी यहाँ पर जो पीसीएस वाला एग्ज़ाम है, चाहे वो जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम है, तो उनके लिए 2021 वाला जो बजट था वही महत्वपूर्ण रहने वाला है। 2022 वाला जब कोई एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए 2022 वाला जो है बजट वो महत्वपूर्ण होगा, लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो बजट है यही महत्वपूर्ण है। और एग्ज़ाम में अगर प्रश्न आए तो यहीं से ही प्रश्न वो आने वाले हैं, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कौन कौन सी नई योजनाएँ यहाँ पर चलाई गई थी, कौन कौन सी नई स्कीम यहाँ पर थी, किस मद के लिए कौन कितना जो है बजट पेश किया गया था, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड का बजट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर, तो राज्य सरकारों के लिए जो बजट दिया गया है वो दिया गया है आर्टिकल 202 के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में 1 अप्रैल 2021 से 21 मार्च 2022 तक यह बजट होने वाला है। और यहाँ पर राज्य सरकार की जितनी भी प्राप्तियाँ हैं, यानी जितने भी उनको धन प्राप्त होने वाला है और जितना भी धन उनको व्यय किया जाता है, उन सभी का लेखा जोखा यहाँ पर होता है। सामान्य बोलचाल में हम इसको यहाँ पर बजट बोलते हैं, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, उसमें कहीं पर भी बजट शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। तो कहीं पर बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, तो वहाँ पर जो शब्द का उपयोग किया गया है बजट शब्द के लिए वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। तो वार्षिक वित्तीय विवरण इसको हम सामान्यतः नहीं बोलते हैं, इसको हम सामान्यतः बजट बोलते हैं, लेकिन हमारे जो संविधान है वहाँ पर लिखा गया है वार्षिक वित्तीय विवरण। कई बार एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो शब्द है वो हमारे संविधान में है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन जो है बजट को भी डाल जाता है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। फिर हम बात करते हैं, यह जो बजट पेश किया था 4 अप्रैल 2021 को बजट पेश किया गया था उत्तराखंड के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के द्वारा, यह बजट पेश किया गया था 2021-22 के लिए। तो मैंने बात की तो क्वेश्चन जो है यहीं से ही आने वाले हैं। और बात करते हैं कि कितना बजट ये रहा था, तो ये जो बजट रहा था वो रहा था 57,400 करोड़ रुपये के लिए यह प्रस्तावित था, जो इसके जो पिछला जो वर्ष था उससे 7.2% यह अधिक था, इतने प्रतिशत का बढ़ोतरी की गई थी नेक्स्ट बजट। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर। इसकी जो PDF है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, आप वहाँ से इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हम सीधा चलते हैं कि कौन कौन सी योजनाएं यहाँ पर लागू की गई थी, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं राजकोषीय घाटे के बारे में भी। यहाँ पर दिया गया है कि इतने करोड़ रुपये का यहाँ पर राजकोषीय घाटा हुआ है, तो ये पूरी जो डिस्क्रिप्शन है इसके बारे में हम यहाँ पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि काफ़ी लेंथी हो जाएगी वीडियो। हम सीधे चलते हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाला है, हम सीधा वहीं पर ही चलते हैं और देखते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं उत्तराखंड में जो प्रति व्यक्ति आय, यानी पर कैपिटा इनकम जो यहाँ पर डिक्लेयर की गई है 2018-19 के लिए, वो की गई है 1,91,450 रुपये यहाँ पर उत्तराखंड की पर कैपिटा इनकम है। वहीं हम अगर बात करते हैं नेशनल लेवल पर, तो नेशनल लेवल पर यह है 1,26,521 रुपये, यहाँ पर ये पर कैपिटा इनकम के हिसाब से डिक्लेयर किया गया है। तो उत्तराखंड की जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल लेवल से अधिक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डेंडर बजट के बारे में, 2021-22 में यहाँ पर रखा गया है। इसकी जो शुरुआत की गई थी 2007-08 में, सबसे पहले जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी। इसका जो मोटिव था वो बजट को पेश करने का, वो था कि महिलाओं के विकास और सशक्तिकरण में यह योगदान देने वाली थी, यानी महिलाओं के डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट के दौरान यह कार्य करने वाला था। और इसके लिए अलग से जो है बजट भी बनाया गया था और 2021-22 में इसके लिए 7,783 करोड़ रुपये अलग से प्रावधान था इनको खर्च करने के लिए। तो ये जो था यहाँ पर जेंडर बजट के बारे में, इसकी शुरुआत की गई थी 2007-08 में। नेक्स्ट बात करते हैं राज्य बजट 2021-22 की कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पर घोषणाएं थी जिनके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो 4 मार्च में यह पेश किया गया था। फिर हम बात करते हैं टीरी झील के ऊपर यहाँ पर टोबर चांडी स्थान पर बने भारत के सबसे बड़े सस्पेंशन पुल का निर्माण 8 नवंबर 2022 को यहाँ पर कर दिया गया, आवागमन के लिए यह खोल दिया गया है। तो यहाँ पर दो प्रश्न यहाँ पर बनते हैं कि भारत का सबसे बड़ा सस्पेंशन पुल का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, टिहरी जिले में, जो है डोबर चांटी स्थान पर। फिर हम बात करते हैं गंगा नदी पर मुनि की रेती में कैलाश तट गेट के समीप जानकी सेतु का यहाँ पर निर्माण किया गया है।
फिर जो हमारे पास यहाँ पर महत्वपूर्ण होने वाला है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है कि बेसिक नीड इंडेक्स में उत्तराखंड अग्रणीय राज्यों में सम्मिलित किया गया है। तो यहाँ पर जो इसका स्थान रखा गया है, ये नॉर्थ ईस्ट और जो हिल एरिया यानी पहाड़ी जो राज्य हैं वहाँ पर उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ तीन राज्यों में सम्मिलित किया गया है, यानी इसकी जो कैटेगरी है वो प्रथम तीन में, टॉप थ्री में है उत्तराखंड। फिर हम बात करते हैं उत्तराखंड राज्य को 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट भी घोषित किया गया है। तो 66वें राष्ट्रीय पुरस्कार में इसको बेस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट भी घोषित किया गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये मिलने वाला है। फिर हमारे पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो मोदी जी की काफ़ी महत्वाकांक्षी योजना है, उसमें उधम सिंह नगर जो डिस्ट्रिक्ट है वो 10 देश के जो सर्वश्रेष्ठ 10 जिले हैं उनमें उसको सम्मिलित किया गया है। तो उधम सिंह नगर टॉप 10 डिस्ट्रिक्ट में है बेटी बचाओ पढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ के अभियान में। फिर हम बात करते हैं पहले राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 में कोसी नदी पुनर्जनन अभियान के लिए अल्मोड़ा को समुचे उत्तर जोन में सर्वश्रेष्ठ जिले के रूप में चयनित किया गया है, यानी अल्मोड़ा को राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 के लिए यहाँ पर चुना गया है। तो सही उत्तर जो हमारे पास होगा वो होगा यहाँ पर अल्मोड़ा। फिर नेक्स्ट हमारे पास उत्तराखंड राज्य को खाद्यान्न उत्पादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। तो उत्तराखंड को कृषि कर्मण प्रशंसा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है हिमालय राज्यों में ई गवर्नेंस में जनपद रुद्रप्रयाग को और राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार दिया गया है, यानी ई गवर्नेंस पर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग उसको प्रथम पुरस्कार यहाँ पर दिया गया है। फिर हमारे पास ऊर्जा मंत्रालय ने यहाँ 3 वर्षों के लिए A+ रेटिंग दी है इंटीग्रेटेड रेटिंग ऑफ यूटिलिटी में UPCL को यहाँ पर A+ रेटिंग की दी गई है। अगर जो निर्बाध जो आपूर्ति है इलेक्ट्रिसिटी की अगर आप उसमें कोई दिक्कत है उत्तराखंड के अंतर्गत तो आप 1912 पर हेल्पलाइन सेवा को यहाँ पर लगा सकते हैं और आपकी जो शिकायत है आप उसको यहाँ पर दे भी सकते हैं। फिर हमारे पास यहाँ पर देश के लगभग 50,000 जो पुलिस थाने हैं तो वहाँ पर राज्य के 2 थाने को टॉप 10 में जगह दी गई है। वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं तो वो हैं मुंशियारी और वन भूलपुरा यहाँ पर 2 डिस्ट्रिक्ट हैं। हम बात करते हैं मुंशियारी की तो ये जो थाना पड़ता है ये पड़ता है पिथौरागढ़ में यह स्थित है और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वन भूलपुरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ पर स्थित है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट हमारे पास प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत परफॉर्मेंस इंडेक्स में उत्तराखंड शीर्ष 5 राज्यों में शामिल किया गया है, जबकि इस योजना में आवास पूर्ण करने की श्रेणी में राज्य का जो है वो 2 स्थान रहा है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना में एक अच्छा कार्य किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने और राज्य को 2 स्थान पर यहाँ पर सम्मिलित किया है। फिर जो है हमारे पास जो बेस्ट एडवेंचर डेस्टिनेशन का जो नेशनल टूरिज्म अवार्ड दिया गया है वो दिया गया है यहाँ पर ऋषिकेश को, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ पर जो आत्मनिर्भर उत्तराखंड का जो मूल मंत्र रहा है वो यहाँ पर रहा है स्थानीय भौतिक प्राकृतिक और मानव संसाधन का समुचित उपयोग किया है, स्थानीय उत्पादकों का एक समुचित विकास और उनकी मार्केटिंग भी यहाँ पर की है, गांव और शहर के एक बेहतर गुणवत्तापूर्वक जो एजुकेशन है वो भी यहाँ पर प्रोवाइड की गई है, हेल्थ में एजुकेशन हेल्थ आवास इलेक्ट्रिसिटी पेयजल और एम्प्लॉयमेंट की उपलब्धता यहाँ पर उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यहाँ पर दिया गया है। राज्य में ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का गठन किया गया है जो एक उत्तराखंड की बहुत बड़ी समस्या अभी उभरती दिखाई दे रही है, यहाँ के जो नवयुवक हैं वो रोजगार की तलाश में बड़े बड़े शहरों और राज्यों की ओर निकल रहे हैं, तो उसके लिए ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है और जो सीमांत तहसीलें हैं वहाँ पर मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना भी शुरू की गई है। तो एक काफ़ी अच्छा मुद्दा यहाँ पर उठाया है उत्तराखंड गवर्नमेंट ने, तो ग्राम्य विकास और पलायन आयोग का यहाँ पर गठन किया गया है। नेक्स्ट जो हमारे पास है यहाँ पर वो ये है कि 14वें वित्त आयोग ने स्थानीय निकायों को वर्ष 2015 और 20 की अवधि के लिए काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है और जो अमाउंट अगर हम बात करते हैं 14वां और 15वें वित्त आयोग के संबंध में कितने प्रतिशत यह अधिक है तो यह लगभग 55% का यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है। अब वो है 4,181.09 करोड़ रुपये यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। बात करते हैं वित्त आयोग के बारे में तो आर्टिकल 280 में यहाँ पर हमारे संविधान में वित्त आयोग का वर्णन किया गया है, हर 5 वर्ष में यहाँ पर इनका गठन किया जाता है। यहाँ पर इसका ये कार्य है कि जो वित्त आयोग है वो सेंटर और स्टेट के बीच जो है राजस्व का बंटवारा करता है, राजस्व व्यय का बंटवारा करता है यहाँ पर वित्त आयोग। तो यहाँ पर इन्होंने जो है स्थानीय निकायों को 4,181 करोड़ रुपये 9 लाख रुपये यहाँ पर सेंशन किए हैं वित्त आयोग ने उत्तराखंड गवर्नमेंट के लिए। फिर हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि
पंद्रह वित्तीय आयोग में इस पद में यहाँ पर 47,234 करोड़ रुपए सेंशन किए हैं और राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि हेतु यहाँ पर काफ़ी बड़ा अमाउंट यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है जो है 5,178 करोड़ रुपए यहाँ पर सेंशन किए गए हैं। तो ये पूरा क्राइटेरिया था यहाँ पर, आप इसको देख सकते हैं। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जैविक कृषि अधिनियम, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में कई बार ये पूछा भी जा चुका है कि सबसे पहला जो जैविक राज्य करने की जो घोषणा की थी वो उत्तराखंड ने की थी, लेकिन सबसे बड़ा सबसे पहले जो जैविक राज्य बना है वो बना है सिक्किम। घोषणा की थी यहाँ पर उत्तराखंड ने, लेकिन बनने वाला जो राज्य है वो है यहाँ पर सिक्किम। तो जैविक कृषि के प्रोत्साहन के लिए ही यहाँ पर जैविक कृषि अधिनियम 2019 को लागू किया गया है और गत 3 वर्षों में जैविक कृषि के क्षेत्रफल में यहाँ पर निरंतर वृद्धि भी की गई है। जैविक कृषि की अगर हम बात करते हैं, इसके अंतर्गत कुल 2,13,000 हेक्टेयर भूमि अभी है जो कुल कृषि भूमि का लगभग 33% है। तो जैविक कृषि अधिनियम का पारित किया गया था 2019 में, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि जैविक कृषि पर बहुत अधिक ध्यान दे रहा है यहाँ पर उत्तराखंड। और अगर हम बात करते हैं, मोदी जी ने भी कई बार जैविक कृषि के बारे में बात की है, तो अगर ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है यहाँ पर। फिर हमारे पास यहाँ पर उत्तराखंड किसान सम्मान निधि योजना, तो इसके अंतर्गत कुल मिलाकर बात करते हैं तो 8,74,000 जो किसान हैं उनके खाते में 1,26,51 लाख रुपए यहाँ पर डाले गए हैं। हम बात करते हैं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के बारे में, तो यहाँ पर हर 3 या 4 महीने में 2,000 रुपये DBT के माध्यम से किसानों के खाते में डाल जाते हैं ताकि किसानों की जो आय है उसको यहाँ पर दोगुनी की जा सके। तो इतने यहाँ पर मेंशन किया गया है। फिर हमारे पास राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 और 2020-21 में कुल 18 विभागों की यहाँ पर 67 परियोजनाओं पर कार्य हुआ है और जिनमें से 39 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं और 28 परियोजना यानी कितनी परियोजनाओं पर कार्य भी संचालित किया गया है। एक और महत्वपूर्ण यहाँ पर जो योजना है वो है मुख्यमंत्री कशियारी कल्याण योजना, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो भी बनाई है जो उत्तराखंड कंट अफेयर की हमने जो सीरीज चलाई हुई है उसके अंतर्गत एक सेपरेट वीडियो भी है, उसमें हमने सही समझाया गया है कि मुख्यमंत्री कशियारी कल्याण योजना क्या है, वो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर इसको चेक कर सकते हैं। तो ब्रीफ में यहाँ पर बात करते हैं इसके बारे में, 3 लाख से अधिक जो महिलाएं हैं वो सिर से घास का बोझ हटाने की व्यवस्था यहाँ पर गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ने की है। इसके लिए कुल मिलाकर 25 करोड़ रुपये यहाँ पर सेंशन किए गए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री कशियारी कल्याण योजना यहाँ पर इसके अगर बात करते हैं इसके प्रोग्राम के बारे में, तो यहाँ पर एक किट प्रोवाइड करती है स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आपके विभिन्न विभिन्न उपकरण यहाँ पर होते हैं जो महिलाओं के लिए काफ़ी लाभदायक होने वाली है। इस किट के अंतर्गत कुछ हर्सी और कुशाल भी हैं और एक टिफ़न है ताकि वो उसमें अपना खाना डाल के जो है अपने घास को चुनने ले सकते हैं। इसमें अलग अलग जो चारा है जो केंद्र भी बनाए गए हैं ताकि वहाँ से उनको जो है चारा मिल सके, और यहाँ पर एक पानी की बोतल भी यहाँ पर महिलाओं को दी जाती है ताकि वो उसका उपयोग कर सके। तो ये डिटेल में मैंने बात की है, सेपरेट वीडियो बनाई है उसके लिए, आप इसको चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर राष्ट्रीय गोकुल मिशन जो योजना है उसके अंतर्गत जो है पशुपालकों के द्वार पर ही यहाँ पर कृत्रिम गर्भधारण की व्यवस्था की गई है। कुछ डाटा है यहाँ पर वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है, एक बार मैं इसे ब्रीफली देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य योजना जो है उसके अंतर्गत 17,33,00,000 रुपये यहाँ पर डिक्लेयर किए गए हैं। कुछ और डाटा है आप इसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं, इसका जो है आप स्क्रीनशॉट भी लेकर एक ब्रीफली जो है रीडिंग कर सकते हैं, वैसे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण नहीं है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जनपद नैनीताल में, जनपद नैनीताल में जो गोला नदी है वहाँ पर जमरानानी पेयजल बहुउद्देश्य परियोजना बनाई गई है और वहाँ पर 2,584 करोड़ रुपये यहाँ पर सेंसर किए गए हैं। यहाँ पर 136.60 मीटर ऊंचा कंक्रीट ग्रेविटी बांध बनाया गया है, तो ये तो महत्वपूर्ण था यहाँ पर नैनीताल गोला नदी के बारे में। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर जल जीवन मिशन जो चलाया गया है उत्तराखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू क्रियाशील नल योजना के तहत, जहाँ पर 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन निर्धारित गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पेयजल की आपूर्ति की जाने की जो है योजना बनाई गई है। तो जल जीवन मिशन कहाँ पर चलाया गया है, उत्तराखंड के अंतर्गत, ये काफ़ी इंपोर्टेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और वित्तीय वर्ष 2021-22 में यहाँ पर इतने जल योजना भी सेंशन किया गया है। फिर हम बात करते हैं वित्तीय वर्ष 2020-21 में फार्म लाइवलीहुड के अंतर्गत 20 विकास खंडों में 20,000 जो महिलाएं किसान हैं उनको चुनकर उनके क्षमता विकास और उनके आजीविका में वृद्धि की बात भी की गई है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास आवास विहीन परिवारों को वर्ष 2021 और 22 में
बुनियादी सुविधाओं से युक्त जो है पक्का आवास उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कुल 12,374 लाभार्थियों को यहाँ पर आवास दिया गया है। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर इस प्रश्न के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं हम यहाँ पर सौर ऊर्जा नीति के माध्यम से प्रदेश में 274 मेगावाट की जो है परियोजनाएं स्थापित की जा रही हैं, और इसके अतिरिक्त 203 मेगावाट की जो क्षमता की जो परियोजनाएं हैं उनको भी आवंटित किया जा चुका है। तो सौर ऊर्जा पर यहाँ पर काफ़ी ध्यान दे रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट, तो इससे यहाँ पर प्रश्न बन सकता है। तो अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रदेश में ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में प्लान को रोकने के लिए दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना भी प्रारंभ की गई है। जो मेन मुद्दा रहा था यहाँ पर प्लानों को रोकने के लिए एक अभी आयोग का भी गठन किया गया था, तो अब यहाँ पर दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास विकास योजना भी शुरू की गई है। फिर हमारे पास यहाँ पर वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना, इसके अंतर्गत क्या हो रहा है कि जो व्यावसायिक वाहन है उन पर 25% जो है वहाँ पर और की सब्सिडी प्रदान की गई है, यह अधिकतम 10 लाख रुपये की। और वर्तमान में जो लग्जरी इलेक्ट्रॉनिक और वातानुकूलित जो बसें हैं उनके लागत में 50% और अधिकतम 15 लाख रुपए तक प्रति वाहन की सब्सिडी भी प्रारंभ की गई है यहाँ पर वीर चंद सिंह गढ़वाली पर्यटन रोजगार के तहत। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण है हमारे यहाँ पर। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत राज्य में कुल 6,85,174 खाते खोले गए थे प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 6,08,669 आवेदकों को 7,792 करोड़ रुपये के ऋण के वितरित भी किया गया है मुद्रा योजना के तहत। तो ये डाटा है काफ़ी इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम यहाँ पर से बात नहीं करेंगे। हम जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। कुछ यहाँ पर प्रधानमंत्री जन विकास योजनाएँ हैं और उनके लिए जैसे एजुकेशन, हेल्थ और पेयजल के लिए कुछ पैसा यहाँ पर दिया गया है। फिर हम यहाँ पर बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत कितने अमाउंट जो है यहाँ पर प्रोवाइड कर दिए हैं। तो 5,000 रुपये प्रति महिला की दर से यहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत। इतना इम्पोर्टेंट था। महिला एम्पावरमेंट और चाइल्ड डेवलपमेंट और समाज कल्याण विभाग में कन्याओं के लिए यहाँ पर नंदा कौर योजना को संचालित किया जा रहा है। इसके अंतर्गत परिवार की 2 बालिकाओं को जन्म के समय प्रथम किस्त के रूप में यहाँ पर 11,000 रुपये और जो दूसरी किस्त इसको मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पर 12+ अगर वो एजुकेशन अपनी कंप्लीट करती हैं। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है कि वो जो है अनमेरिड होनी चाहिए, उसके लिए 51,000 रुपये यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो प्रोवाइड करती है नंदा गौर योजना के तहत। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो महत्वपूर्ण यहाँ पर करंट होने वाला है तो वो है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल योजना के लिए आय व्यय में 110 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो यहाँ पर एक करंट यहाँ पर ये बनता है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ पर होने वाला है, उत्तराखंड के अंदर। तो 38वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर होंगे, ये होंगे उत्तराखंड के अंदर, और इसके लिए 1,010 करोड़ रुपये यहाँ पर सैंक्शन किए गए हैं। तो इतना ही महत्वपूर्ण था यहाँ पर उत्तराखंड बजट के लिए। उत्तराखंड करंट अफेयर की वीडियो हमारी जल्दी आने वाली है, आज या कल में हम उसको डाल देंगे वीडियो को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। धन्यवाद। जय हिंद।